हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित वीडियो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल एंड प्रोजेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं वेडिंग वीडियो एडिटिंग के बारे में, और इस वीडियो में हम बताएंगे वर्तमान समय में डेटा का साइज जो होता है ना, लगभग 1000 GB के ऊपर पहुंच गया है। 1000 GB से 1500 GB के बीच में डेटा साइज EDS का मिलता है, जिसमें बहुत सारे डेटा कलेक्शन होता है। उसमें आपको बैकग्राउंड होता है, लाइट इफेक्ट होता है, टाइटल इफेक्ट होता है, इसके अलावा ओवरलेज होते हैं, PNGs होती हैं, JPEGs होते हैं, साउंड्स होता है, म्यूजिक होता है, MP3s होती हैं, और अल्फा ग्राफिक्स भी होते हैं। जो वेडिंग वीडियो एडिटिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको बनाने में बहुत जगह बहुत सारा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। वो सारा कलेक्शन आपको इस डेटा में दिया जाता है, अलग अलग फोल्डर्स में दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रख करके आपको दिया जाता है, जिससे कि वो सिस्टमेटिक तरीके से रखें, जिससे कि आपका सिस्टम तरीके से काम कर पाएँ। अब होता क्या है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत कम फोल्डर में मैनेज करने की कोशिश किया जाता है, इसलिए साइज़ बढ़ घट जाता है। बहुत सारे फोल्डर्स का डेटा साइज जो है ना 600 GB से ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए हमको अलग अलग फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर आप जो है ना इतने सारे फोल्डर्स क्यों बनाते, एक ही फोल्डर में बना दिया करिए। तो ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि जब डेटा कॉपी करना पड़ता है हमको, तो एक एक फोल्डर कॉपी करना पड़ता है। यदि एक ही फोल्डर में 1000 GB से ज़्यादा होगा तो हम कॉपी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कोई फाइल मिस हो गई तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना है या किसी को डेटा देना है, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डेटा अलग अलग फोल्डर में रखने से फ़ायदा होता है, जल्दी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है सर्च करने में मिल जाता है कि किस फोल्डर्स में प्रॉब्लम है, तो उसी फोल्डर को हम ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा कहीं किसी और हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आई तो उसको हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं। इसलिए अलग अलग फोल्डर्स में डेटा रखा जाता है अलग अलग तरीके का। हर फोल्डर में जाकर के कभी भी काम नहीं करना चाहिए आपको, केवल एक्सेस होता है रिप्लेस फुटेज के लिए, और वेडिंग वीडियो प्रोजेक्ट्स वाला जो फोल्डर, दो में आप काम करिए, बाकी जितने भी डेटा वाले फोल्डर्स हैं उसमें कुछ मत करिए, उसको वैसे ही रखें। जब भी ये हार्ड ड्राइव हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम जो है ना वो डी ही होना चाहिए। यदि आप किसी भी हार्ड ड्राइव में डोंगल डाटा या प्रोजेक्ट का डेटा रखते हैं तो उसका अल्फ़ाबेट नाम डी ही होना चाहिए। डी होने से फ़ायदा क्या होता है, डी इसलिए रखा जाता है किसी अल्फ़ाबेट नाम किसी वेडिंग वीडियो डोंगल डाटा प्रोजेक्ट की हार्ड ड्राइव का, क्योंकि जब हम वेडिंग वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट एडिट कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं, चाहे आपका वीडियो डेटा हो, चाहे इमेज डेटा हो, चाहे आपका ऑडियो डेटा हो, तीन ही प्रकार के डेटा होते हैं, वीडियो, ऑडियो और इमेज। उसके अलग सब कैटेगरीज भी होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, ओवरलेज होते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं, अल्फा ग्राफिक्स होते हैं, मोशन ग्राफिक्स होते हैं, एलिमेंट वाले ग्राफिक्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरीके से आपको जो है साउंड में MP3 सॉन्ग्स होते हैं, म्यूजिक होता है, साउंड इफेक्ट होता है, या इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो उन मैनेज करने के लिए हमको एक पाथ चाहिए होता है जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जब भी हम वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं वहाँ पर ये नियम होता है कि जब भी कोई काम आप लेंगे या काम करेंगे तो इसका एक पाथ होता है, उस पाथ के बेसिस पे ही काम होता है, बिना पाथ के आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट में डेटा ले करके आते हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेज हो, उसका एक पाथ होता है, उस पाथ के बेसिस पे ही प्रोजेक्ट में वो डेटा काम करता है। वो डेटा जहाँ पे आपने रखा वहाँ से प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कॉपी नहीं होता प्रोजेक्ट में, वो डेटा वहीं होता है। इसलिए जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो डेटा जहाँ होता है, जब आप दोबारा प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो वो डेटा वहीं मिलना चाहिए। यदि वो डेटा वहाँ नहीं मिलेगा तो वो डेटा ऑफलाइन हो जाएगा, जैसे हम मीडिया ऑफलाइन कहते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर काम करना है तो आपके डोंगल डाटा प्रोजेक्ट के हार्ड ड्राइव का अल्फ़ाबेट नाम डी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इन प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे थे उस समय जो प्रोजेक्ट के दौरान हमने डाटा लगाया है, चाहे वीडियो लगाया हो, इमेज लगाया हो या ऑडियो फाइल लगाई हो, वो एक पर्टिकुलर पाथ से ही लेकर के लगाया है और उसी जगह से वो एक्सेस होता रहेगा जब तक वो हार्ड ड्राइव काम करेगी। इसलिए उसको अल्फ़ाबेट डी होना चाहिए। और इस सिस्टम में दौरान जब आप काम करते हैं डेटा के साथ, तो वहाँ पर जो हार्ड ड्राइव में फोल्डर्स होते हैं उन फोल्डर्स का नाम कभी नहीं चेंज करना है और उनको कहीं दूसरी जगह मूव भी नहीं करना है। मीडिया ऑफलाइन होने के बाद में प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए मीडिया ऑफलाइन ना हो तो इसलिए इस हार्ड ड्राइव का नाम डी अल्फ़ाबेट ही रखना चाहिए। और डी अल्फ़ाबेट हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा कि डी ड्राइव का नाम कैसे चेंज करना है, अल्फ़ाबेट डी ड्राइव कैसे नाम देना है किसी
डोंगल डाटा प्रोजेक्ट का। तो इस हार्ड ड्राइव को हम चाहे आप खुद लेकर के जाएं या आप बाय कुरियर द्वारा पहुंचे, उसको आपने सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। आपको मैं बात कर रहा हूं इंटरनल ड्राइव की और या एसएसडी की, किसी की भी हो उसको हम यूटिलाइज करते हैं। एक्सटर्नल ड्राइव डायरेक्ट चलते हुए सिस्टम में लग जाता है, लेकिन इंटरनल ड्राइव चलते हुए सिस्टम में जनरली यूज़ नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जिसमें करना पड़ता है, जिसके बाद आप चलते हुए सिस्टम से हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनल। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद आपको डेटा का अल्फाबेट डी कर दीजिएगा और आपका रेडी हो जाता है आपका हार्ड ड्राइव सिस्टम में काम करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया हार्ड ड्राइव का कनेक्शन कैसे किया जाना है, हार्ड ड्राइव कौन सी यूज़ किया जाना है और हार्ड ड्राइव में कैसे डेटा रखा जाता है, उसको कैसे आप इधर उधर उसको हटाइए या डिलीट करिए, कॉपी पेस्ट या रीनेम ना कीजिए, जिससे कि आपको डुप्लिकेट डाटा प्रयोग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में। तब तक की रामा की राम राम।